हेलो एवरीवन वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मैं आपका दोस्त मनीष यादव आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना है कि मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए क्योंकि जो हमारा आज का यूथ है ना वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं है जैसे मतलब मैं जो हूँ अभी आज से मुझे याद है चार साल पांच साल पहले जब मैं और बच्चा था बचपन में था तो उस टाइम हमारा बचपन बिल्कुल अलग था आज के बच्चों के मुताबिक क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि हम सब इतने ज्यादा सोशल मीडिया का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था क्योंकि उस टाइम आपको ही पता है कि तू जी नेटवर्क तो कितना महंगा आता था और दूसरी बात की उस टाइम इतने सारे ऑनलाइन गेम्स नहीं थे मुझे याद है कि मैं अपने पापा जी के फोन में स्नक वाला गेम खेलता था नोकिया का पापा जी का फोन था ग्यारह या बारह का उसमें मैं स्नैक वाला गेम खेलता था वो भी पांच से दस मिनट जब पिताजी ऑफिस से आते थे तो मिलता था मुझे तो मैं खेलता था अभी के टाइम में क्या हो गया है कि हमारे जो यूथ है हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे भविष्य है जो मतलब एक कहावत है ना कि सभी बच्चे के पास एक अलग क्षमता है कुछ करने का लेकिन आज का युद्ध क्या कर रहा है मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिसके जिसको लेके ना वो उसको फोबिया हो गया है कि मुझे खेलना है मैंने इतने डायमंड अर्जित किए तो इन सबों से निकलना होगा और थोड़े से पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग खेल खे, कर रहे हैं अच्छी बात है हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग करके वो अच्छे प्लेटफॉर्म बना लें लेकिन उनका जो बचपन है ना वो बचपन अपना अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं तो वो अपने बचपन गली में खेल के बिताएं क्रिकेट खेले फुटबॉल खेले कबड्डी खेले बहुत सारी गेमें लुका छुपी हो गया ये सब तो मैं खेल चुका हूँ मुझे अभी भी याद है कि मैं क्लास सिक्स में था जब दो में दो हजार की बात है उस टाइम मैं स्कूल से आता था डेढ़ बजे और मुझे यहाँ से अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से मुझे छः किलोमीटर दूर जाना होता था क्रिकेट खेलने क्योंकि वहां पे थोड़े सीनियर लोग खेलते थे तो मेरे मन में एक हौसला रहता था कि मैं बड़ों के साथ खेलूंगा तो थोड़ा सा मेरा बैटिंग अच्छा होगा फील्डिंग करूंगा तो थोड़ा ज़्यादा मन लगेगा कि बड़े लोग दाँटने लग जाएंगे कि लड़का अच्छे से फील्डिंग निकल रहा है तो ऐसा मतलब माहौल था और मैं आता था खाना भी खाता था या नहीं खाता था साइकिल निकालता था चला जाता था और फिर शाम को आता था मुझे मतलब अभी अभी भी मुझे याद है एक दिन मुझे बैटिंग मिला होगा वो भी मुझे दो या तीन बॉल मिला था लास्ट में और मैं शायद दो बॉल के अंदर आउट हो गया था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ ले वही मैं चीज बोल रहा हूँ कि आज का जो यूथ है ना आज के जो बच्चे हैं वो अभी समझ लीजिए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि अभी जो समाज है अभी फाइव जी का ज़माना आ रहा है अब हर चीज़ आपको उपलब्ध है भले ही आप मिडिल क्लास हो मैं भी मिडिल क्लास हूँ मुझे पता है कि मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा सा कुछ भी करना उतना ईजी नहीं होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है क्योंकि अब्दुल कलाम जी भी और जितने भी महान हस्ती हुए अल्बाइन आइंस्टीन ये सब मिडिल क्लास से ही निकले और अपने लाइफ को अच्छे से जिया उनको कोई दो तीन लाइफ नहीं मिला था उनको एक ही लाइफ मिला था तो वही मैं कह रहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है और मेरे एक अपनी तरफ से पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो जाके आउटडोर में खेले घर में बैठे बैठे वो अगर मोबाइल चला रहा है तो उस बच्चे के आंखों को नुकसान पहुंचेगा और उसके दिमाग में एक दोपहर रिलीज हो जाएगा कि मुझे खेलना है डेली का उसका लत लग जाएगा तो ये गलत आदत है अभी आपको भी पता है कि अधिकतर जो भी जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनका स्कूल नहीं खुला है तो अभी भी घर पर हैं और मुझे पता है कि डाटा बहुत सस्ता है डेली देर जी तो नॉर्मली हर किसी को मिल जाता है तो बच्चा पाँच सौ छः सौ एम अगर गेम में लगाता है तो सोचिए कितनी बुरी बात है आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को महाभारत रामायण और इतने जितने सारे भी जो पुराने जमाने के किताबें हैं उनकी कुछ बातें बताएं ताकि उनके अंदर लगे कि देखो स्वयं श्री राम प्रभु अगर वो चाहते तो अपनी माता जी का बात वो अपनी बड़ी माँ का बात टाल सकते थे कि माता जी आपने वादा किया था या जो भी किया था पिताजी से प्रॉमिस किया था मैं उसको निभाने के लिए चौदह साल अपने घर से क्यों जाऊँ मेरी क्या गलती है लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि माता मैं नहीं जाऊँगा उन्होंने बोला ठीक है माता जी अगर आपका ये आदेश है तो मैं बिल्कुल जाऊँगा तो थोड़ा सा वही है कि बच्चों को भी ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा माता पिता का ख्याल रखें क्योंकि माँ बाप भी एक ही बार मिलते हैं और ये बात आपको अपने जहन में रखनी होगी और माता पिताओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बोलें कि उसका किस चीज़ में मन लगता है उस चीज में आप सपोर्ट करें भले ही आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितना कर सकते हैं करें बच्चा खुद जब घर से बाहर निकलेगा जैसे मैं घर से बाहर निकला था तो कुछ ना कुछ तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ लाइफ के बारे में कि अकेले रहना या जो भी होता है कि लाइफ में कैसे किसी चीज़ को फेस करना है किसी दिन कोई मुसीबत आ गई या किसी दिन मैं भूखा हूँ तो क्या कैसे मुझे खाना खाना है ये सब तभी तो दिमाग डेवलप होता है तभी तो हम सब आगे चल के अपने देश का जी में अहम योगदान निभा सकते हैं क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं देश का जो जी है लगभग थ्री ट्रिलियंस के आसपास होने वाला है और हम लोगों को यही कोशिश होना चाहिए जितने भी बच्चे हैं कि हमें खुद से जैसे अभी एक कैंपेन भी चल रहा है आत्मनिर्भर लोकल फॉर वोकल्स इस ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपको इनसे सोचना चाहिए कि खुद आप कुछ नया करने की कोशिश करो जिससे हमारे समाज में जैसे अमेरिकन को आप देख सकते हो वो क्या करते हैं वहाँ के बच्चे या चाइना के बच्चे वो करते क्या है कि उनको बचपन से बोल जाता है आपको जिसमें मन लगता है आप करो वो शुरू कर देता है तो बेसिक लेवल पे जब जैसे मैं हूँ या कोई भी है तो इंडिया में कोई शुरू करेगा बेसिक लेवल पे बचपन में ही उस चीज़ को थोड़ा सा पेरेंट्स भी समझे थोड़ा सा इसमें सरकार भी बच्चों को सपोर्ट करे स्कूली लेवल पर कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था में और मैं चाहता हूँ कि ऐड किया जाए जिसमें बच्चा अगर खेल खेल में अगर अच्छा कर रहा है तो स्कूल में खेल का क्या बोलते हैं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल दे देना चाहिए कि हर एक स्कूल में गेम की फैसिलिटी होगी अगर भले ही स्कूल का ग्राउंड नहीं हो आसपास दूसरा ग्राउंड है वहां ले जाकर आपको खिलाना है वीक में या जैसा जो सूटे वालों मुझे तो उतना मालूम नहीं है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे जो भी सीनियर्स हैं वो अच्छे से कर पाएंगे और दूसरे जिन बच्चों को तैकिनकल में लगता है तो सरकार कोशिश करे कि स्कूल स्कूली लेवल पर बच्चे खिलौना बनाना कुछ हेलीकॉप्टर्स बनाना ऐसे ऐसे चीजें सीखें ताकि आगे चल के उनको दिक्कत ना हो वो चाहे तो अपने खुद का भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या अगर गेम में अच्छा खेलते हैं तो ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आ सकता है आपको भी पता है कि ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल कम है मैं बार बार कभी कभी इस वीडियो में जिक्र करता हूँ कि ओलंपिक में हम हमारा बहुत गोल्ड मेडल कम है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है तो यही मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत जो लगभग सवा सौ करोड़ की आबादी है वो और भी ज़्यादा होने वाली है तो इस इन इनमें से ना बहुत सारे ऐसे मेडलिस्ट बहुत सारे ऐसे सिंगर बहुत सारे डांसर बहुत सारे क्रिकेटर बहुत सारे फुटबॉलर मतलब अलग अलग गए एथलेटिक्स सब में अच्छा कर सकते हैं तो बस मेरी ये वीडियो में यही कहना था कि थोड़ा सा हम लोगों को सोशल मीडिया से दूरी बनाना होगा क्योंकि जो अमिताभ जी थे या विराट कोहली सर हैं या जो भी हैं सुनील छेत्री ये सब इन सबों के ज़माने में मोबाइल फोन हुआ नहीं करता था तभी ये इतने अच्छा बन चुके हैं मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कभी तो सोचता हूँ जब तो मुझे लगता है कि वो क्यों आज इतना बेहतर कर पा रहे हैं क्योंकि उनके जमाने में जब वो बेसिक लेवल पे थे जब वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो सोशल मीडिया तो वो जानते ही नहीं थे वो सोशल मीडिया क्या है हमें दूसरों से जुड़ने का मौका देता है अगर कोई आस पास है आप जाकर मिलो खुशी बात हो प्यार रहो सोशल मीडिया चलाओ लेकिन ज़्यादा यूज मुझे लगता है कि हानिकारक है क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक अलग तरह का दोपहर में जाता है हम हम खुद कंप्यूटर जैसा बिहेव करने लग जाते हैं थोड़ा सा इनसा... इन मुझे लगता है कि इंसानियत थोड़ी सी कम हो जाती है और सब तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बस यही मेरा बात है कि भारत को कैसे हम मतलब अगर भारत में पैदा हुए हैं तो हम अपने देश को कैसे ज्यादा से ज़्यादा हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है हमें इसी जिंदगी में सब कुछ करना है तो प्लीज मैं चाहता हूँ मैं तो करूंगा और ईश्वर का भी आशीर्वाद जरूरी है सबको मैं चाहता हूँ सबको ईश्वर आशीर्वाद दें और अच्छी सदबुद्धि दे ताकि सब कुछ अच्छे तरह पे चल सके मैं भी चल सकूँ मैं भी देश के लिए अपने कुछ अच्छा करूँ आप भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें जय हिंद जय भारत वंदे बंदे मातरम भारत माता की जय